Did you relate to the book? I mean, did you relate to the video? Are you one of those girlfriends, Rajiv? Not at all. I think all the four characters were like extreme. Like, you know, if somebody is dominating, she's like extreme. Somebody is clingy, she's extreme. So we all have a mixture of all those things, for sure. I'm dominating, clingy sometimes, but not to the extreme. But yeah, the book says it all. I read it and I'm like, I hate that character in the book. How clingy are you to your male friends? Knowing myself, how much I want my own space, I don't entertain in his space. So I'm not at all clingy. Sometimes for fun, yes, we do it. So me as Prajamisha, I'm not at all clingy, but yeah, sometimes yes, I am. My Clingy Girlfriend is a story about एक लड़का जो है और वो बॉम्बे आता है कलकत्ता से और वो बैठ जाता है एक लड़की के साथ और वो उसके घर में चली आती है और बिल्कुल उसके ज़िंदगी को परेशान कर देती है। सो दिस बुक इज़ वेरी फ़नी एंड ऐसा मतलब इट्स अबाउट फ़नी इंसिडेंट्स और ये बिल्कुल हंसी मजाक में मैंने लिखा था और बिल्कुल एक आदमी के दिमाग में घुस के मैंने ऐसा लिखा है। सो इट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स जो आदमी लोग सोचते हैं एंड हैज़ नथिंग टू डू विद विमेन। मतलब मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मैं बड़ी स्पेस चाहिए मुझे, दूसरों को इतनी स्पेस देती हूँ मैं, लेकिन ऐसी बहुत लड़कियों को देखा है मैंने। मतलब मेरे दोस्तों के साथ बहुत दुख झेला है उन लोगों ने। लड़के भी क्लिंगी होते हैं पर इन्होंने लड़कों को बड़ा सपोर्ट किया इस बुक में, तो बड़ा मज़ा आया पढ़ करके। यू हैव टू रीड द बुक टू नो अबाउट इट। और नाम सफिशिएंट है, क्लिंगी गर्लफ्रेंड, समझ में आ रहा है नाम से कि लड़की ना मतलब पूरी बुक में लड़की की लगाने वाली है अच्छे से। क्योंकि ये ओब्रो क्रांति जो है उसको इस लड़की राधा से प्यार हो गया है तो वो रिलेशनशिप में है, तो ऑब्वियसली वो बोल देती है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, मैं पहले गर्लफ्रेंड बनी, फिर वो परेशान करती है कि मैं वाइफ कब बनूंगी। एंड आई थिंक ये सारी औरतें ऐसे, सारी लड़कियां ऐसे बोलते रहते हैं कि मतलब शादी कब करेंगे, शादी कब करेंगे। एंड ऑनेस्टली एक आदमी की ज़िंदगी में उसको शादी नहीं करनी है कभी कभी, मतलब सिर्फ गर्लफ्रेंड ही चाहिए उसको। एंड तो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ द होल स्टोरी। प्लीज़ गाइज रीड दिस बुक। जितनी क्लिंगी लड़कियां वो अपने आप को इस बुक में देखेंगी कि हाँ ये मेरे बारे में लिख रही है, और जो क्लिंगी नहीं है वो कुछ कुछ टिप्स सीख सकती है कैसे लड़के को परेशान कर सकते हैं। तो दोनों वे से बड़ी मज़ेदार बुक है। इफ़ यू रीड इट इट्स टू मच ऑफ फन। मैंने आई थिंक 1.5 दिन में बुक ख़त्म कर दी थी क्योंकि शुरू की जगह ख़त्म करो बहुत मज़ा आ रहा था। तो इट्स अ फन मूवी बुक, लाइट नाइस बुक, ट्रैवल करते हुए पढ़ो, मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग है।